किसी भी बात को लेकर के। कबीर वाणी के केंद्र में न हिंदू है, न मुसलमान है, न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। कबीर वाणी के केंद्र में मनुष्य है और मनुष्यता के लिए प्रेम है। मानवीय प्रेम कबीर वाणी का केंद्रीय तत्व है और वही केंद्रीय तत्व गायब होता चला जा रहा है। आज इसलिए कबीर को क्यों कहना पड़ा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। और प्रेम का जो पाठ पढ़ेगा वो लिबरल ही होगा, उदार ही होगा, स्वतंत्र रूप से समझने की उसकी शक्ति होगी। कबीर जयंती का मनाने का अर्थ होता है हम अपने सारी संकुचित संस्कृतियों का जो घेरा है उससे बाहर निकलें। क्यों हम डरते हैं? हर आदमी डरा हुआ है। हमें डर क्यों लगता है? दो आदमी डरेगा। कबीर उस जमाने में जब आजादी, जब आज अभिव्यक्ति की जितनी स्वतंत्रता आज है, उस जमाने में कबीर अपनी बात कहते हैं। और पूरी निर्भयता के साथ कहते हैं, भयभीत नहीं है। ये कहा जा सकता है कुछ लोगों ने ये मार रखा था, कुछ मुट्ठी भर लोग, मुश्किल से 2-4% लोगों ये मार रखा था कि यदि बोलने का अधिकार, कहने का अधिकार है किसी को है तो वो अधिकार सिर्फ हमारे पास है और बाकी सबको सुनना है। हम जो कह दें वो न्याय है, हम जो कह दें वो सच है और हमारे कथन पर किसी को विचार करने की स्वतंत्रता नहीं है, अंतिम वाक्य हमारा है। ये 2-4% लोगों का ये विश्वास था। विश्वास क्या था? ये अंदर के अंदर दृढ़ धारणा थी और परंपरा से ये बात चली आ रही थी। कानून बनाने का अधिकार, कुछ निर्णय करने का अधिकार, क्या करने का अधिकार, कुछ लोगों का अधिकार में, कुछ लोगों मुट्ठी में था। ये पहली बार एक ऐसा हुआ उन सुनने वालों में से, और सुनने वालों ने भी मान लिया था भाई हम तो सुनने के लिए पैदा हुए हैं, हमें भगवान ने सुनने के लिए भी, हमें सेवा करने के लिए ही भेजा है, हमें उतनी अकल ही कहाँ है कि हम कुछ सोच सकें, कुछ विचार सकें कि बात कह रही हो झूठ है, वो तो जो कहा जा रहा है हमें वो मान लो, क्योंकि कहने वालों को भगवान ने अधिकार दिया है कहने का। और जो मुट्ठी भर लोग थे ना, वो दावा कर रहे थे कि हम भगवान की ओर से ही भेजे गए हैं कहने के लिए, हमारी वाणी ब्रह्मवाणी है, हमारी वाणी ईश्वरीय वाणी है, इस पर विचार नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मां तो सुनना है। सुन कहने वालों के मन में ये बात बैठी थी, सुनने वालों के मन में ये बात बैठी थी। पहली बार कबीर ऐसे हुए, उसके पहले भी और लोग हुए थे जिन्होंने कहा अब तुम सुनो, मैं कहने वाला हूं, कहें कबीर पुकार के, तुम सुनो तो तुम्हारा मन हो तो सुनाऊंगा, नहीं होगा तो सुनाऊंगा। साहब पहले संत कबीर हैं जो कहते हैं कहें ही कबीर पुकार के, पुकार कर कहने वाले संत यदि कोई हुए हैं तो कबीर हुए हैं। वो कबीर ऐसे हैं जो एक प्रकार से कह सकते हैं झोपड़ी चुनौती दे रहा था राजमहल को। कबीर की यह विशेषता है। क्यों? कबीर अंदर से बाहर तक, एड़ी से चोटी तक पूरा का पूरा निर्भय, पूर्ण